बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ट्रेड गेमिंग चैनल से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WCC3 में जो अपकमिंग फ्यूचर है वो कौन कौन से होंगे। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WCC3 के जो अपकमिंग फ्यूचर हैं वो कौन कौन से वो लॉन्च करने वाला है अपनी गेम में। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आप लोगों में बहुत सारे क्वेश्चन है कि WCC3 कब आ रहा है, कौन से फ्यूचर हैं, किस डेट को रिलीज़ होगा और कौन सा इसका ट्रेलर आएगा, कब इसका ट्रेलर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक WCC3 की तरफ से एक ही ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो यही आई थी कि 20 अप्रैल को वो कुछ नया करने वाला है WCC3 के बारे में, हमें इन्फॉर्म करेगा कब वो रिलीज़ करेगा और किस डेट को इसका ट्रेलर आएगा। अभी तक तो कोई भी इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं आई है नेक्स्ट मल्टीमीडिया की तरफ से। सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आई है कि WCC3 जो है वो 20 अप्रैल को बताएगा कि वो नेक्स्ट आगे क्या करेगा। तो बस यही ऑफिशियल न्यूज़ है इनकी, जो दूसरे यूट्यूबर्स डाल रहे हैं कि 20 अप्रैल को आएगा, 30 अप्रैल को आएगा, वो सब झूठ है। अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ कोई नहीं आई है। जैसे ही कल का दिन गुजरेगा तो हमें सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि कब WCC3 लॉन्च होगा या कल ट्रेलर आएगा, उसमें कौन कौन से फ्यूचर होंगे। तो आज जो अभी तक इन्होंने जो फ्यूचर इन्होंने बताए हैं WCC3 ने ऑफिशियल, वो भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जो अभी तक इन्होंने नहीं हमारे हमें बताए ऑफिशियल वो भी आपको बताऊँगा WCC3 में। तो बात करते हैं हमारे सबसे WCC3 में जो नंबर वन पर जो फ्यूचर आना चाहिए वो ये है कि टूर्नामेंट में दोस्तों, जी हाँ टूर्नामेंट में जो ओवर हैं वो मज़ीद ऐड करने चाहिए WCC3 को। आपको आपने देखा है कि जो WCC3 के जो टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ओवर का हम मैच खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम मैच नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर WCC3 को मज़ीद 5 से 10 ओवर ऐड करना चाहिए। और इसके बाद हम नंबर टू की तरफ चलते हैं अपने WCC3 के फ्यूचर की तरफ। तो इस फ्यूचर में दोस्तों यह है कि आपने भी देखा होगा WCC2 में जो WCC2 के प्लेयर्स हैं टीमों की, उसमें इनके नाम रियल नहीं होते, स्पेलिंग की गलती होती है। तो यहाँ पर WCC3 को मज़ीद अपने प्लेयर्स के नाम करेक्ट करने चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, और अपने जो प्लेयर्स हैं इनके नाम रियल होने चाहिए और स्पेलिंग की इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर WCC3 का जो तीसरा फ्यूचर आता है, इस फ्यूचर में कमेंट्री का फ्यूचर आता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि WCC2 में जो फीमेल कमेंट्री है इसमें नहीं है, तो रियल क्रिकेट 20 में जैसा कि आपको पता है कि जो फीमेल कमेंट्री उन्होंने लॉन्च कर दी है, जिससे हमें परचेज़ करके हम फीमेल कमेंट्री को और देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर WCC3 को भी अपनी फीमेल कमेंट्री का फ्यूचर डालना चाहिए और वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फीचर नंबर 4 में दोस्तों इनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस डालनी चाहिए इन WCC3 को अपनी गेम में जो मीडिया के साथ होती है। तो फीचर नंबर 5 में इनको पिच रिपोर्ट भी डालनी चाहिए। WCC3 में जो फीचर नंबर 6 आता है इसमें दोस्तों स्टेडियम का है। जैसा कि आपको पता है कि रियल क्रिकेट 20 में जो स्टेडियम है बिल्कुल ही अनलॉक है, एक दफ़ा हम परचेज़ कर लेते हैं, परचेज़ करने के बाद हमें अपने जो कॉइन्स है दोबारा स्पेंड नहीं करने पड़ते हैं। तो इसी तरह आपको पता है कि WCC2 में जैसे ही हम मैच खेलते हैं तो हमें हर मैच के बदले 100 कॉइन्स या उससे ज़्यादा कॉइन्स हमें स्पेंड करना पड़ते हैं। यहाँ पर WCC3 को कुछ ऐसा चाहिए कि अपने जो स्टेडियम है या तो वो अनलॉक कर दें या वो एक दफ़ा ही कॉइन्स को स्पेंड करने पर कर दें, जैसा कि रियल क्रिकेट 20 में है। फ्यूचर नंबर 7 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें इनको कैरियर मोड डालना चाहिए WCC3 में। जैसा कि एपिक क्रिकेट गेम में इन्होंने अभी हाल ही में इन्होंने बताया कि वो कमिंग सून में वो लॉन्च करने वाले हैं कैरियर मोड, तो WCC3 को भी चाहिए कि जो कैरियर मोड है वो लाजमी लॉन्च कर दे WCC3 में। तो दोस्तों ये कुछ फ्यूचर थे जो WCC3 में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज की अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजम लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।